नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बंगाल के रण में आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। 15 दिनों के अंदर तीसरी बार आज मोदी बंगाल के दौरे पर थे। खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों के साथ निर्ममता की और बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। पीएम ने सिंडिकेट, कट मनी, रंगदारी को लेकर भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। साथ ही कहा कि दीदी की पाठशाला में विकास नहीं बल्कि अराजकता की पढ़ाई होती है, तोलाबाजी की पढ़ाई होती है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद अब बंगाल में खेला खत्म और विकास शुरू होगा। बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, यह हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। जिन लोगों को संविधान ने के आपके इस अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी दी है, वही लोग बंगाल में लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला। दीदीर पाठशाला ते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी। तो ये जो आप अभी प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, ये खड़गपुर की रैली प्रधानमंत्री मोदी की थी और खड़गपुर में ये सब बातें की, ममता बनर्जी पर अटैक किया, उनकी सरकार पर अटैक किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार खड़गपुर को ही क्यों चुना गया। देखिए, एक सियासत में एक बात तो बहुत साफ है कि कोई भी रैली होती है, सभा होती है, तो उसके पीछे एक रीजन होता है। खड़गपुर में रैली के पीछे क्या बड़ी वजह थी वो हम आपको बता रहे हैं। खड़गपुर जो है वो पश्चिम बंगाल का एक कॉस्मोपोलिटन शहर है, मतलब जैसा कि दिल्ली है कॉस्मोपोलिटन, मिश्रित आबादी रहती है, ऐसे खड़गपुर में भी है। खड़गपुर में रैली का पश्चिमी और पूर्वी मिदनापुर पर असर पड़ता है। पश्चिमी मिदनापुर जिले की अगर मैं बात करूं तो खड़गपुर इसी का हिस्सा है और पश्चिमी मिदनापुर में कुल 19 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 19 की 19 विधानसभा सीटों पर इस समय तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। पूर्वी मिदनापुर की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी मिदनापुर में 16 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 16 में से 13 पर टीएमसी का कब्जा है। और नंदीग्राम, जिसको पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है, वो भी पूर्वी मिदनापुर में पड़ती है और नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु आमने सामने। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि खड़गपुर में रैली करने का मकसद क्या है। खड़गपुर दरअसल दो जो इलाके हैं, पूर्वी मिदनापुर पश्चिमी मिदनापुर, वहां का सेंटर पॉइंट है एक तरीके से, वहां पर अच्छी खासी असर इस रैली का पड़ेगा। और इन 35 सीटों का गणित आंकते हुए, क्योंकि इन 35 सीटों में से ज्यादातर सीटें ममता बनर्जी के पास हैं, तो ममता के गढ़ पर एक तरीके से ये अटैक प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली के जरिए किया। तो पीएम मोदी आज खड़गपुर में थे और ममता बनर्जी वहीं बराबर में पूर्वी मिदनापुर में, मेदिनीपुर में रैलियां कर रही थी। अपनी रैलियों में ममता बनर्जी ने मोदी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि 27 तारीख को लोग अपना पहला गोल करें। सारा भारतवर्षे मने रखबेन, बीजेपी पार्टी उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवर्षेर अर्थनीति के शेष करे दिएछे। अर्थनीतिते धस नेमेछे, नोटबंदी থেকে শুরু করে ব্যাংকবন্দী, আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। মনে রাখবেন, রেল বিক্রি করে দিচ্ছে,
কল বিক্রি করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বিক্রি করে দিয়েছে, ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে, সব বিক্রি করে দিলে দুদিন বাদে হলদিয়াটাকেও হলদিয়া বন্দরটাকেও বিক্রি করে দেবে, তাহলে মানুষ খাবে কি? বিজেপি হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোলাবাজ ভারতবর্ষের। পিএম কেয়ারের নাম করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, অথচ আজকে জনগণ কোভিড ইঞ্জেকশন পাচ্ছে না। আর 27 তারিখে আপনারাই কিন্তু প্রথম গোলটা মারবেন, 27 তারিখে প্রথম গোল, 27 তারিখে প্রথম গোলটা এমন করে মারবেন যে বিজেপি বোল্ড আউট হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, বাংলার দিকে যেন আর ফিরে না তাকায়। तो इस समय जमकर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और 27 तारीख को पहला पोल पड़ना है और उसके बाद कुल 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होंगे, तो इसके लिए अब तैयारियां मजबूत हो गई हैं। सभी दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत पर इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, अपना जो गेस्ट पैनल है मैं उसको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस समय जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बापा चटर्जी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त साथ में हैं, मित्र प्रकाश जी नेता लेफ्ट वो भी इस वक्त साथ में हैं, विजय मिश्रा जी प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस और डॉक्टर नम्रता कोठारी राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और विजय मिश्रा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत से सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को लेकर। उन्होंने कहा कि दीदी कहती है खेला होबे, अब खेला ना होबे, अब विकास होबे, उन्होंने ये बात कही और ये भी साथ में कह दिया कि इस विकास में सबसे बड़ी जो दीवार वो दीदी रही है, डेंजरस है दीदी बंगाल के लिए। बंगाल में विगत 10 वर्षों में जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं कि कहीं 2024 में हमारे लिए दीदी जो है सरदर्द न खड़ी हो जाए, इसीलिए जो है अगर उन्नयन को देखा जाए, डेवलपमेंट को देखा जाए, तो जितना बंगाल में विकास हुआ है शायद ही किसी अन्य राज्य में हुआ है, जो बीजेपी शासित राज्य है। यहाँ जो है प्रति व्यक्ति औसतन आय दुगना हुआ है, 2010 में 51,543 रुपए से बढ़ करके अभी 1,09,491 रुपया है। यहाँ जो है कृषक बंधु स्कीम है जिसमें प्रत्येक कृषक को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया सरकार देती है, राज्य सरकार, और किसी का ध्यान हो जाता है किसी किसान का तो उन्हें 3 लाख रुपया बीमा की व्यवस्था है। बंगाल में स्वास्थ्य साथी कार्ड है सारे लोगों के, पूरे 10 करोड़ जो यहाँ की आबादी है सबके लिए, और 9.5 करोड़ लोगों का जो है निःशुल्क राशन की व्यवस्था है बंगाल में। बंगाल में जो है जितने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको 1,000 रुपया भत्ता है, विधवा के लिए 1,000 रुपया भत्ता है, वृद्धा के लिए 1,000 रुपया भत्ता है, विकलांग के लिए 1,000 रुपया भत्ता है। यहाँ जो है बच्चों की शादी के लिए जो है सरकार, जिनकी 18 से ज्यादा उम्र हो जाती है उनको जो है 2,500 रुपया सरकार जो है रूपश्री प्रकल्प के माध्यम देती है, और किसी का देहांत हो जाता है तो उनके दास के लिए 2,000 रुपया देती है। और विकास इतना हुआ है कि देखिए उनके पास कोई इशू नहीं है, अगर विकास को लेकर ही बात करें ना, हमारी सरकार 10 वर्ष से बंगाल में है, 10 वर्ष से हमारी सरकार ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है इस राज्य की डेवलपमेंट के लिए, हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड जो है हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और लगभग 7 साल हो चले दिल्ली सरकार है, उन्होंने जो वादे किए थे कि प्रतिवर्ष मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दूंगा, महंगाई सीमा पे है, गैस जो है लगभग, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि कटमनी का विकास हुआ, सिंगल विंडो का विकास हुआ, तोलाबाजी का विकास हुआ, दंगे का विकास हुआ, लोगों के मर्डर का विकास हुआ, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उनके पास मुद्दा नहीं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो अगर कैंडिडेट होते उनके पास तो वो बीजेपी में ज्यादा जो है आयात किए हुए कैंडिडेट है, उनको टीएमसी ने रिजेक्ट किया, उनको एक्सेप्ट किए। मीर जाफर जिनको कह रही थी ममता बनर्जी, वो बहुत ऐसे हैं, मीर जाफर क्या मैंने बहुत ऐसे हैं जिनका उन्होंने अपनी पहचान तृणमूल कांग्रेस से बनाई, ऐसे बहुत लोग हैं, और बहुत ऐसे सांसद हैं जिनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, उनके अंदर इतना अगर ये है जनता के ऊपर तो विश्वास नहीं कर पा रहे, मतदाता के ऊपर, गण देवता के ऊपर,
विश्वास है तो भाई सांसद को रेजिग्नेशन दिलाइए ना, दिला करके आप विधायक का सीट लड़वाइए। और आप खुद जो है कल वो मैंने खुद कॉन्फिडेंस नहीं, अगर कॉन्फिडेंस होता या उनके पास कैंडिडेट होता तो जरूर कई सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को, लोकसभा के सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को जो है वो उम्मीदवार बनाते। अब उनकी मर्जी वो किसी को बनाए, इसमें उनकी मर्जी वो किसी को बनाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अस्त्र मतलब लड़ाई का एक ये होता है ना अस्त्र होता है। अब अपने अपने उम्मीदवार को टीएमसी से पूछकर तो तय करेंगे नहीं, क्यों बाबा चटर्जी? टीएमसी से पूछ के तय करेंगे क्या उम्मीदवार? कहने कुछ है नहीं आपके पास बोलने के लिए, आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है। माननीय टीएमसी के जो प्रवक्ता मिश्रा जी हैं उनको पहले नमस्कार करता हूँ। मिश्रा जी आप दीदी के लिए इतना बढ़ चढ़ के बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हिसाब से आप भी बहिरागत हैं और बंगाल में बंगाल जितने भी हिंदी भाषा वासी, सुन लीजिए मिश्रा जी थोड़ा सुन लीजिए, हम आपके टाइम पे एकदम नहीं बोले, शांति से सुने आप, थोड़ा बर्दाश्त करके, इनटॉलरेंट मत होइए, बर्दाश्त करके थोड़ा सुन लीजिए। आप भी दीदी के हिसाब से बहिरागत है, दीदी अपने भाषण में हिंदी भाषियों को यहाँ में बंगाल में मेहमान बोली है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप भी बहिरागत हुए। अब रहा बात एम्प्लॉयमेंट का, मैं बगल में दो तीन राज्य का बात बता रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पश्चिम बंगाल में है 6.2, गुजरात में 3.2, ओडिशा में है 2.5 एवं आसाम में है 1.6। तो किस तरह से पश्चिम बंगाल आगे बढ़ रही है ये समझ में आ रहा है। विषय ये है आप लोगों ने पार्श्व शिक्षक लोगों को, पैरा टीचर को माननीय ममता दीदी ने आश्वासित किया था कि जब बंगाल में टीएमसी की सरकार आएगी उनको परमानेंट नौकरी मिलेगा। क्या हुआ उन लोगों को? वो लोग अभी रास्ते पे बैठे हुए हैं और ममता दीदी एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं जा रही है, उन लोगों का हाल चाल पूछने नहीं जा रही है। 49 दिनों से आज अनशन पे वो लोग बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनने का जरूरत नहीं है। तो इनके जो परिवार, ये मत भूलिए इनके भी परिवार है, ये भी किसी परिवार से आ रहे हैं, वो लोग भी वोट डालेंगे। विषय है अच्छा। कटमनी का विषय जब आता है शौचालय तैयार किया। बापा चटर्जी सुनिए मेरी, मैं सवाल और इसमें ऐड कर रहा हूँ बापा चटर्जी। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर पीएम इस बात को कहते हैं कि ममता बनर्जी जो 10 साल से एक स्टेट की मुख्यमंत्री हैं वो स्टेट के लिए डेंजरस हैं, वो स्टेट के लिए खतरनाक हैं, अगर पीएम ये बात कहते हैं तो क्यों इस बात को कहा जा रहा है? क्या ऐसी चीजें आपके पास हैं जिसको लेकर इतनी बड़ी बात कही जा रही है एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए? देखिए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से संलग्न एरिया है और जिस तरह से घुसपैठिया बंगाल में घुस रहे हैं, ये इलेक्शन टाइम पे आप देख रहे हैं, बंगाल बम की भूमि बनी हुई है, गोली की भूमि बनी हुई है, बारूद की भूमि बनी हुई है। आने वाले दिन पे यही बंगाल दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है क्योंकि इन्हीं के मेयर खड़ा होकर बोलते हैं, इमरान खान को देखिए कैसा मैंने मिनी पाकिस्तान बनाया है कोलकाता के ऊपर। तो ये परिस्थिति है, भयाल परिस्थिति है, यहाँ इलेक्शन गणतंत्र का बार बार हत्या किया जाता है, यहाँ विरोधी किसी भी विरोधी, वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, एनी काइंड ऑफ विरोधियों का गला घोट के हत्या किया जाता है, किसी को भी यहाँ अपना मत रखने का अनुमति नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री के विरोध में अगर कोई कुछ बोलता है तो उनको जेल भेज दिया जाता है, यहाँ तक मैं इसका ज्वलंत उदाहरण हूँ, मुझे भी 15 दिन जेल कस्टडी में रहना पड़ा था। इसका कारण क्या है कि बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा हुआ है और आने वाले दिन में इतने जो लूट मार चल रहा है, इतने जो रक्ताक्त किया जा रहा है बंगाल को, ये लोग कौन है, क्यों नहीं पकड़े जाते, पुलिस क्या कर रहे हैं? पुलिस को आप बंगाल पुलिस को देखिए, बंगाल पुलिस आपको मिलेंगे कभी फाइल सर पे झुकाए, टेबल के पीछे छुपते हुए या अलमारी के पीछे छुपते हुए, ये बंगाल पुलिस की दुर्दशा है जहाँ पुलिस को अपने हाथ खोल के काम करने नहीं दिया जाता है। एक विशेष धर्म के लोग आते हैं वो कुछ भी तांडव करके चल जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बंगाल आज गणतंत्र हत्याकारियों का पृष्ठभूमि बन गया है, यहाँ पर ही बम के कारखाने लग रहे हैं, यहाँ पर ही उपद्रवियों के कारखाने लग रहे हैं। आप खुद देखे होंगे हमारे सांसद माननीय अर्जुन सिंह जी को किस तरह से उस दिन बॉम्बिंग हुआ, वहाँ पर ही प्रशासनिक अधिकारी खड़े थे, वहाँ पर ही प्रशासन के गाड़ी खड़े थे, लेकिन प्रशासन का कोई हिलडोल नहीं। 140
हमारे कार्यकर्ता को मार के कहीं इलेक्ट्रिक पोल पे कहीं पेड़ पे टांग दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि दीदी जो है बंगाल के लिए डेंजरस है और इसीलिए जो है बीजेपी को आना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, मुझे सबसे शुरुआत में एक एक रिएक्शन लेना है, फिर मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। मैं मित्र प्रकाश जी के पास चल रहा हूँ, नेता लेफ्ट। मित्र प्रकाश जी सिर्फ टीएमसी निशाने पर नहीं है, निशाने पर लेफ्ट और कांग्रेस भी रही। आज अपने भाषण में खड़गपुर से पीएम मोदी ने कलेक्टिव एक तरीके से निशाना साधा है, टीएमसी के तो ऊपर साधा ही है, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस पर भी वो कहते हैं कि 55 साल से जो विकास रुका हुआ है ना बंगाल का, उसमें सिर्फ 10 साल दीदी के हैं, बाकी लेफ्ट के हैं। बंगाल को बर्बाद करने में लेफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है, बंगाल को पीछे छोड़ने में, बंगाल का विकास रोकने में लेफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है। आप भी कम दोषी नहीं है उनके मुताबिक। रोहित जी, प्रधानमंत्री जी को मैं सीरियस नहीं लेता हूं और प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है, आप वो भी मैं कोट करके रखा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बीजेपी का बंगाल में कर्ज है, बंगाल की पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार विचार संस्कार है और इसी संस्कार को हम बंगाल तक पहुंचाना चाहते हैं। अब यही संस्कार मैं समझना ये चाह रहा हूं कि यही संस्कार कपिल मिश्रा के अंदर भी होंगे, यही संस्कार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास भी होंगे, यही संस्कार अनुराग ठाकुर और प्रज्ञा साध्वी के पास भी होंगे। तो क्या यही संस्कार इन्हें बताए गए हैं जो जैसा ये लोग बयान देते हैं? और दूसरा, क्या इनके संस्कार अगर यही संस्कार उन्होंने सिखाए हैं कि देश में नोटबंदी कर देंगे, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ा देंगे, देश में अभी बप्पा जी कह रहे थे कि बंगाल में किसान और बंगाल में शिक्षक काफी टाइम से बैठे हुए हैं और ममता दीदी मिलने नहीं जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो किसान 150 दिन से बैठा हुआ है, उससे भी नहीं मिलने जा रहे हैं। तो दोनों एक जैसे लोग हैं, दोनों ना विकास की बातें कर रहे हैं, ना वो रोजगार की बातें कर रहे हैं, ना वो शिक्षा की बातें कर रहे हैं, ना वो जल जंगल जमीन की बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने धर्म को साध रहे हैं, ये अपने धर्म को साध रहे हैं और लगे पड़े हुए हैं। बंगाल का इन लोगों से कोई मतलब नहीं, बंगाल को गंदे तरीके से हथियाने में लगे हुए हैं और ये कोई विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना इस बात को, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बोला ना कि विकास रुक गया है, मेरी आवाज भाई 55 सालों में वो यही तो कह रहे हैं, विकास रुक गया है, अब हम आएंगे तो विकास करेंगे। अभी सिंगल विंडो का विकास हुआ है, दंगों का विकास हुआ है, राजनीतिक हत्याओं का विकास हुआ है, यही तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास लेके आएंगे, हमारी डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार को बढ़ावा दे देगी। तो कह रहे हैं आप कैसे कह रहे हैं कि विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बात तो विकास की हो रही है। तो मॉडल सबका रोहित जी आप ही बताएं कि ये कितना सच, रोहित जी आप ही बताएं ये कितना सच है। अगर विकास अगर इतना अच्छा हुआ होता तो देश की जीडीपी की हालत आज की देश में ऐसी नहीं होती, देश में आज रोजगार की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती, देश में आज एलपीजी इतना महंगा नहीं होता, देश में पेट्रोल आज आसमान के भाव पे नहीं रहता अगर विकास इतना मजबूत हो गया रहता। अभी तमाम सर्वे आ रहे हैं कि क्या स्थिति है देश में आज, उत्तर प्रदेश में आप देखिए वहां के यहाँ के मुख्यमंत्री वहां जाके क्या क्या बोलते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी वहां क्या स्थितियां हैं। तो विकास की अगर इतनी अच्छी स्थिति होती तो शायद देश में ये पूरा मॉडल दिखाई होता, और अगर देश का मॉडल बंगाल में रख के ये नया बंगाल बनाना चाह रहे हैं तो ये सरासर हम लोग नहीं होने देंगे। और इस तरह का गंदा विकास, व्यवसायियों के साथ विकास, व्यवसायिक पार्टियों के साथ विकास, ये सब बंगाल को ठीक है। मेरे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मेरे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक भी आना चाहता हूं कि वो भी अपने कमेंट जो अभी तक की बातचीत हुई इसमें ऐड करें। विशाल मिश्रा जी, मैं पहले आपको इनवाइट कर रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विशाल जी, आप अपना कमेंट ऐड करिए, अब तक जो डिबेट हुई है इसमें, इसको लेकर अभी क्या लग रहा है? आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, ठीक है, अब राजनीतिक पार्टियां हैं सत्ता में आने के लिए आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो आपकी नजर से क्या सही है? देखिए, मैं अपनी बात को थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हुए शुरू करना चाहूंगा जी, कि जो बंगाल ज्ञान विज्ञान आध्यात्मिक चेतना संत परंपरा का केंद्र हुआ करता था, जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, आज उस बंगाल की स्थिति क्या हो गई है? आज उस बंगाल के भद्रलोक की क्या स्थिति है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। आपको याद होगा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन की स्फूर्ति वहीं से हुई थी और जिसने पूरे के पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। मैं एक लाइन आपसे कोट करना चाहूंगा, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। उस समय जो होम सेक्रेटरी थे ब्रिटिश, रिस्ले,
उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कर्जन को कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर एंड द डिवीजन ऑफ बंगाल विल पुल इट इन सेवरल वेज। बंगाल यूनाइटेड संगठित एक बहुत बड़ी ताकत है और इसका विभाजन कई मानों में लाभकारी होगा। वो तो अपनी रणनीति में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी बंगाल अपने स्फूर्ति अपनी प्रेरणा सदियों तक स्वतंत्रता आंदोलन में देता रहा, लेकिन आज वो बंगाल, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन सी वो ताकतें हैं? इसके पीछे वो ताकतें हैं आप बंगाल की राजनीति में ढूंढ सकते हैं। आजादी के नारे के आधार पर कांग्रेस सत्ता में आई और उसके पास राजनीतिक वोटबंदी की एक वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई जिसको वामपंथियों ने आगे बढ़ाया। वामपंथी से मैं शुरुआत करता हूँ, ये तो इनकी तो सोच ही बाहरी है, ये तो राज्य को मानते ही नहीं। इन्होंने तो नारा दिया था कि आजादी झूठी है और उसी नारे को गढ़कर इन्होंने नक्सलवाद और कट्टर यूनियन ट्रेड यूनियन को मजबूत किया। मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, राजनीतिक हिंसा की शुरुआत 1970 से लेकर 77 से लेकर 1996 के बीच 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई, बयान दिया गया है। ये राजनीतिक हिंसा का जरा स्तर तो देखिए, तो क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा ही कहती है कि बलपूर्वक सामाजिक संस्थाओं को उखाड़ के फेंका जाए। इस परिवर्तन की बात करते हुए टीएमसी सरकार में आई, परिवर्तन तो हुआ लेकिन ये केवल सत्ता का परिवर्तन था, झंडा बदला, रंग बदला, लेकिन सोच वही कैरी ऑन होती रही। आप बताइए कि जो बंगाल आजादी के बाद इंडस्ट्रियल आउटपुट में देश में 24.8% की भागीदारी करता था, आज वो केवल 2.2% की भागीदारी। आपको लगता है कि परिवर्तन जरूरी है? कि जमीन से एसईजेट को हटाकर सत्ता में आए ये लोग, नहीं सत्ता में आए तो कौन सा वैकल्पिक मॉडल दे दिया? किसी भी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है उसके काफिले पर हमला हो जाता है, ये भला किसी और प्रदेश में आपने देखा? राजनीतिक हिंसा का घिनौना रूप तो देखिए जरा, बूचड़ खाने की तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए 30% की आबादी को संतुष्ट करने के लिए 70% आपका कमेंट मैं चाहूंगा इस पर, क्या परिवर्तन की जरूरत है? जिस तरह से अब लड़ाई चल रही है और जिस तरह के तमाम पॉलिटिकल कमेंट्स हम देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, क्या परिवर्तन की जरूरत है बंगाल में? कहां से बस गए इस तुष्टिकरण की? देखिए ये तमाम एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद मेरी जो सोच है, अरे भाई थी, आज ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये बहिरा गोपाल का हाथ लेके इन लोग ताना बाना कस रहे हैं, मेरे पहले जो प्रवक्ता थे मिश्रा जी ने बहुत सही बात कही, बंगाल यूनाइटेड इज पावर, ये एकदम सही बात है। आज भी बंगाल अगर यूनाइटेड है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर बीजेपी बंगाल में इतना फोर्स क्यों दे रहा है, इतना तवज्जो क्यों दे रहा है बंगाल जैसे स्टेट में, क्योंकि बंगाल के ऊपर ही अब बीजेपी का 2024 में सेंटर में रहेगा कि नहीं उसके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है बीजेपी, इसीलिए बंगाल को इतना तवज्जो दे रहा है, इसलिए आज भी उनके लिए बंगाल यूनाइटेड आज भी खतरा है, जिसके कारण जिन्होंने खेल खेला जा रहा है कम्युनल पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवीजन चाह रहे हैं, एक सेक्शन को अट्रैक्ट करना और दूसरे सेक्शन के विरुद्ध करना जिससे वायलेंस और भी ज्यादा बढ़े, और वेस्ट बंगाल में ये चीज नहीं है, यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, बरसों से रह रहे हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं। आज अगर कोई भी स्टेट इंडिया में देखे सबसे पीसफुल स्टेट अभी तक वेस्ट बंगाल का है, इवन अगर आप क्राइम रेट भी देखे अगेंस्ट वेमेन का, तो बिहार सबसे नीचे, अगर आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट का सर्वे देखे उसमें भी कोलकाता वेस्ट बंगाल सबसे नीचे है, तो आप कैसे बोल सकते हैं दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में वेस्ट बंगाल का हालत बहुत खराब है? नहीं, रादर वेस्ट बंगाल का हालत बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं 34 साल तक सीपीएम ने राज किया, राज करने के कारण हम लोग का ऑलरेडी जो डेवलपमेंट होना जितना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब ध्वस्त हो चुके थे, उसके बाद टीएमसी का ग्रोथ हुआ। तो जब टीएमसी पावर में आए तब उन लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट किया, हो सकता है वो जितना और भी होना चाहिए था उस तबके का नहीं हुआ, पर फिर भी आज भी जो सोचिए दूसरे स्टेट से आते हैं, हैदराबाद, दिल्ली, कहीं से भी, रोड्स, सफाई, ये सब देख के बोलते हैं कलकत्ता क्या था, कलकत्ता क्या हो गया, तो डेवलपमेंट जो नहीं
ऐसा चीज नहीं है। फिर ममता बनर्जी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं राइट, नहीं तो इशू इशू क्या है इस इलेक्शन में, इशू क्या है पीने का चाहिए वो, इस इलेक्शन में इशू क्या रहेगा, क्या इशू रहने वाला है इस इलेक्शन में आपके मुताबिक? इस इलेक्शन में यही इशू रहने वाला है कि किस तरह गरीबों तक पार्टी पहुंचे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा मुहैया कराया जाए, जिसका ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुका है। द्वारे सरकार, पाड़ा से समाधान, कन्याश्री, राशन जो फ्री में दिया जाएगा, गरीबों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा, स्टूडेंट्स लोग को 10 लाख रुपए 4% इंटरेस्ट में दिया जाएगा। जिन लोग हाउसवाइफ है घर की उनको 500 रुपया एवरी मंथ, और जिन लोग SC ST है उन लोग को 1000 रुपया। तो अब की बात जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो निकला है वो एकदम सिंपल वे में, लुसिड वे में 10 प्रोग्राम जिसको बोला जा रहा है दीदी 10टा अंगीकार क्लियरली स्टेट। पहले जो था वो 146 पेजेस का था, अब की बार बहुत सोच समझ के कि नहीं अब जितना डेवलपमेंट हो गया उससे और आगे करना है, वेस्ट बंगाल को और आगे ले जाना है, जिसके कारण ये 10 अंगीकार या 10 प्रोमिसेस जो हुआ है उसका ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है थ्रू द्वारे सरकार, कन्याश्री, 5 लाख लोगों को जॉब देने का वायदा किया गया है। इवन जो एक सज्जन बोल रहे थे कि नहीं टीचर्स लोग अनशन कर रही है, आप लोग, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब से TMC की सरकार आई है तब से हर साल कॉलेज सर्विस कमीशन का इंटरव्यू हुआ है, रिक्रूटमेंट, लाखों लोग रिक्रूट हुए हैं जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के रेजिम में नहीं हुआ था, वो 6 साल 8 साल में एक बार रिक्रूटमेंट होता था। तो ये सब तो डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए कोई भी सरकार में कुछ प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है मैम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मुझे मैं एक मिनट के बाद वापस आऊंगा इस डिबेट पे। इस वक्त की हेडलाइंस पहले हमको देखनी, हेडलाइंस के बाद हम वापस ही जा रही है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खड़गपुर में थे, तो वहीं मेदिनीपुर में, पूर्वी मेदिनीपुर में ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी। बापा चटर्जी जी लगातार बीजेपी की तरफ से तो अटैक हो ही रहा है, पीएम मोदी अटैक कर भी रहे हैं ममता बनर्जी को निशाना बनाकर, सरकार को निशाना बनाकर, लेकिन ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। इस बार कॉम्पिटिटर बहुत टफ है और उन्होंने पूर्वी मेदिनीपुर से आज ये बात कही है कि 27 तारीख को पहला पोल होना है और पहले पोल के दिन जनता ऐसा गोल करेगी कि बीजेपी पलट के नहीं देखेगी बंगाल की तरफ फिर कभी। मुकाबला कड़ा है इस बार, कॉम्पिटिटर टफ है सामने, मान लीजिए इस बात को। देखिए कोई भी चुनावी युद्ध जो होता है वो टक्कर हमेशा कड़ा ही रहता है, कोई नरम नहीं रहता है, कोई सब हर समय ये गर्म ही रहता है। विषय ये है बंगाल की चुनाव में एक चीज मैं माननीय ममता जी से कहूंगा कि अपनी कैडर से कहिए कि इस बार चुनाव में एक भी खून ना हो, एक भी बम ना गिरे, एक भी जगह संतरास ना हो, ऐसा परिस्थिति कर दीजिए तो जनता आपके पक्ष में ऐसे ही गोल देती। आपको वोट मांगने के लिए अलग से भत्ता वाला राजनीति नहीं करना पड़ता, आपको अलग से देना नहीं पड़ता, आप कोलकाता को लंदन बना देती तो पब्लिक आपको ऐसे ही वोट देती, आप दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बना देती तो पब्लिक आपको ऐसे ही वोट देती। आपको दूसरे, आपको मन से चढ़ के ना तो चंडी पाठ करना पड़ता, ना ही ये बोलना पड़ता कि कोई कैंडिडेट मेरा नहीं है। ये लोग कैंडिडेट के बात करते हैं, असल में तृणमूल दल में एक ही तो पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। माननीय दीदी हर मंच पे चढ़ के एक ही बात बोलती है कि कोई कैंडिडेट नहीं है, 294 सीट पे सिर्फ मुझे देख के वोट दीजिए। तो परिस्थिति तृणमूल का तो बीजेपी भी तो पीएम मोदी के नाम पे वोट मांगती है, बीजेपी भी तो पीएम मोदी के चेहरे पे वोट मांगती है। मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट मांगते हैं, इसका कारण है इसलिए कि हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कि चेहरे नहीं है, हम लोग के पास हजारों चेहरे है, ठीक है, जिन लोग जो लोग अभी चुनावी अपने अपने क्षेत्र पे लड़ रहे हैं, लेकिन इनके जो नेता है वो इतना करप्शन में डूबे हुए हैं कि वो अपने कहीं भी जाके वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक उन लोगों को कभी चावल चोर बुला और इनके नेता जो बीजेपी में आ गए वो बुला देंगे, कभी तिरपाल, इनके नेता जो बीजेपी में आ गए उनके बारे में क्या राय है? देखिए मोदी जी लक्ष्य सोनार बंगला का टारगेट रखते हैं और हम लोगों ने एक बात स्पष्ट की है कि ये जो करप्शन की रानी का हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है कि दौड़ी धोरे मारो टान, करप्शन है रानी हवे खान खान। इसका मतलब करप्शन की रानी का रस्सी पकड़ के जो शुभानुदायी है उस रस्सी में अपना सहयोग डालेंगे, सोनार बंगला निर्माण करने में जो लोग अपना सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए हमारी दल की दरवाजे खुले हुए हैं, आप लोग आइए। उनको वॉशिंग मशीन में धो पोछ के झाड़ के फिर बीजेपी में एडमिशन मिल जाता है? नहीं नहीं वो कहते हैं कि वहां से छोड़ के चले गए मीर जाफर, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ आ गए तो सब साफ।
नहीं नहीं हमारे यहाँ सहूलियत की पॉलिटिक्स नहीं, जिनके जिनके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है उनके ऊपर वो इंक्वायरी चलेगी, उनके ऊपर कुछ भी जो बात रहेगा वो आईन के माफिक जो होना है वो होगा। लेकिन तृणमूल का परिस्थिति हम बताना चाहेंगे कि उन लोगों का अवस्था ऐसा है कि वो लोग कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो लोग उनका दल त्याग करके भाग जा रहे हैं। उनका दल त्याग करके बड़े बड़े चेहरे जिन लोगों के ऊपर तृणमूल दल खड़ी थी, जो पिलर थे तृणमूल दल के, वो सारे तृणमूल दल को छोड़ के आ रहे। तृणमूल दल के प्रतिष्ठता जो थे वो तृणमूल दल के छोड़ के आ रहे। तृणमूल दल बोल रही है द्वारे सरकार, आज तृणमूल दल के नेता बीजेपी के द्वारे द्वारे घूम रही है। और मेरे लेफ्ट के भाई जो बोल रहे थे अभी कि शिल्प और डेवलपमेंट के बारे में, भाई साहब 34 साल बंगाल में आप लोगों ने राज किया है, 34 साल में आप लोगों ने बंगाल में जितने प्लांट थे उसमें लाल झंडे दिखा दिखा के सारे प्लांट को बंद कर दिए। आप लोगों के टाइम पे आम आदमी में जंगल महल में चूती का अंडा खा के जिंदा रहना पड़ता था, दो टाइम का खाना नसीब नहीं होता था। माओवाद को आप लोग किए, दादा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, सच्चाई सच्चाई चिल्ला के आप झुठला नहीं सकेंगे। आप लोग सच्चाई झुठला के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पूरे भारतवर्ष में वामपंथा को पूरे विश्व ने नकार दिया है, वामपंथा को पूरे विश्व ने नकार दिया है, वामपंथा का अस्तित्व संकट में है। आप लोग से आप लोग को तो न्यूज में चर्चा में जगह मिल रहा है, ये आप लोग कैसे समझ रही है? क्या की राजनीति से आप लोग का सुपड़ा साफ हो चुका है, आप लोगों का राजनीति के लिए बचा कुछ नहीं है। मित्र भाई साहब, मित्र भाई आपका आप वामपंथी जो मानसिकता वाले हैं वो लोग सिमट के कोने में केरल में फंसे हुए हैं। आप लोग पूरे भारत में कहीं नहीं है, सब जगह से आपके मतवाद को साफ कर दिया गया है, सब जगह से आप लोगों की जैसी देशद्रोही मानसिकता वो भी देशद्रोही मानसिकता थी, जेएनयू की मानसिकता थी, पूरी तरह से साफ कर दिया गया। रोजगार के बाद आप लोगों के मुंह पे शोभा नहीं देते हैं। 34 साल बंगाल को आपने मरुभूमि में कन्वर्ट कर दिया है, रोजगार के बाद में आप लोग कर नहीं सकते हैं। 34 साल तक आप लोगों के नेता ने बंगाल को फोड़ करके जमीन के ऊपर से लेके जमीन के अंदर एवं आसमान तक घोटाला आप लोगों ने किया है। बंगाल ने एक भी शिल्प को अंदर रखने नहीं दिया, खाली जीते अबे का नारा दिया और बंद करो का नारा करके लाल झंडा लगा लगा के आपने देश में खाली इसको बर्बाद किया है। और कोई काम आप लोगों ने किया है संपूर्ण रूप से? दादा आप लोगों को पूरे विश्व ने नकार दिया है, भारतवर्ष में आप लोगों का अस्तित्व नहीं है, आप लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता है, आप लोगों को कोई देखना नहीं चाहता है। और आप लोग आके बोल रहे जाते ये मीडिया वाले के कृपा है कि आप लोगों को अभी तक जिंदा रखे, नहीं तो काम करता है। ठीक है विजय मिश्रा इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप बापर चटर्जी ने लगाए थे, मुझे लग रहा है कि विजय मिश्रा जी उन बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। विजय मिश्रा जी अपनी अपना जो आप जवाब देना चाह रहे हैं दें, फिर मैं मित्र प्रकाश जी के पास चलता हूं। मित्र जी आपको भी मैं टाइम दूंगा पूरा अपनी बात रखने के लिए। विजय मिश्रा जी अगला एक मिनट आपका है। ममता बंदोपाध्याय जो यहाँ बंगाल में रहने वाले कांग्रेस के शासनकाल में बंगाल में जितने लोग रहते हैं सब बंगाली हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी भाषी बंगाली हैं, जो बंगला बोलते हैं वो बंगला भाषी बंगाली हैं, जो उर्दू बोलते हैं वो उर्दू भाषी बंगाली हैं। आप लोगों के का शासन है आसाम में, 16 लाख बंगाल में रहने वाले बंगला भाषियों का नाम जो है नागरिकता से काट दिया जाता है। छोड़िए ना, बंगाल का विषय में ना ना, 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 ना बंगाल पे मैं बात कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं और सुनिए, बंगाल के मंच पे चढ़ के बोले कि ना ना बहिरागत कौन है, बहिरागत जो है वो परिजाई। सुनिए आपके जो परिजाई जो नेता लोग आ रहे हैं जिन्होंने सुनिए जो बंगाल जो
आप इस वजह ना हिंदी भाषी बंगाल में मेहमान नहीं है, हिंदी भाषी को तृणमूल कांग्रेस ने इज्जत दिया है, आप लोगों ने क्या दिया है, तृणमूल कांग्रेस ने इज्जत दिया है, सम्मान दिया है। बंगाल से कितने लोग कोरोना में हिंदी भाषी बिहार गए, यूपी गए, बताइए। बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता है, आपका दिल्ली से महाराष्ट्र से और कितने लोग जिनकी पैर के छाले उखड़ गए और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेता उनके कान उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। बंगाल से कितने लोग यूपी बिहार गए, बड़ी बड़ी बात करने से होगा, बड़ा बड़ा आप वादा करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे। बंगाल में आप एक भी सीट जीतने में दम निकल जाएगा आपका, आप सपना ना देखें। आपके बहुत ऐसे एमएलए हैं जो हार रहे हैं, मैं सुनिए, बहुत आप सुनिए, रेल बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, गैस का दाम 1000 रुपए कर दिए, पेट्रोल का दाम 100 रुपए कर दिए, बंगाल में बंगाल की जनता आपको नाराज की है, इसलिए आपके जो सभा हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का अभिषेक जी का जो सभा हो रहा है उसमें आदमी नहीं पहुंच रहे, आप लोगों के पास आदमी नहीं पहुंच रहा है, आपके द्वार में उतर रहे 7 साल बाद आप लोगों के द्वार पर पहुंचना पड़ रहा है। बंगाल की जनता आपके पास नहीं है, भूल गई है, पुलिस और आपके पास नहीं है कि आपके डर से कोई वोट नहीं निकलेगा। इस बार का चुनाव आपकी पुलिस नहीं कराएगी, सेंट्रल फोर्स कराएगी, सेंट्रल फोर्स ठीक है। हाँ नम्रता जी कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट नम्रता जी, आप कुछ कहना चाह रही है, फिर मेरे को डिबेट भी एंड करनी है। ये जो बैरागतों का इन लोग बोल रहे हैं, इन लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हैं। बैरागतों बंगला में किसको बोलते हैं? आज जो सेंटर से आ रहे हैं, दूसरे दूसरे स्टेट से लोग जो प्रचार करने आ रहे हैं, उन लोगों को बैरागतों बोल रहे हैं, जो कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी। लेकिन फिर सवाल ये है ना कि हिंदुस्तान तो यूनाइटेड एक देश है, हिंदुस्तान तो एक देश है, फिर अगर वहां से प्रचार करने के लिए आते हैं, मैडम ये बताइए ना, क्या प्रचार करने नहीं आएंगे? प्रचार करने तो आएंगे ना, इलेक्शन है तो प्रचार करने आएंगे। फिर ऐसे में ममता बनर्जी को ये कहना, ममता बनर्जी ये क्यों कहती है कि मोदी की सूरत नहीं देखना चाहता बंगाल? ममता बनर्जी को ये नहीं कहना चाहिए ना कि मोदी की सूरत नहीं देखना चाहता बंगाल? यहाँ कैंडिडेट होना चाहिए वेस्ट बंगाल, जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है तो वेस्ट बंगाल में कोई कैंडिडेट बीजेपी का क्यों नहीं है, दूसरे स्टेट से क्यों लाना पड़ रहा है? आज अगर आप देखिए, उन लोग जब अपना कैंडिडेट का लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, उन लोग को ठीक से पता ही नहीं है कौन बीजेपी में है। जो ऑलरेडी टीएमसी में है कैंडिडेट, टीएमसी का हो के एक दिन पहले प्रचार कर रहा है, उसका नाम उसको नहीं बताए बिना वो नाम एनलिस्टेड हो जा रहा है। तो इन लोग को ग्राउंड रियलिटी कौन कौन है, कौन एमएलए बनने के पोजिशन में, उन लोग को वही नहीं पता है तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? उन लोग का ग्राउंड होमवर्क ही ठीक नहीं है। होमवर्क तो पहले अपना ठीक करें, फिर तो वेस्ट बंगाल में लड़े। अगर ग्राउंड होमवर्क ही ठीक नहीं होगा, जहां पर यहां पर पूरा ग्राउंड के ऊपर, अब किसने होमवर्क किया है, किसने ग्राउंड वर्क किया है मैम, ये तो दो तारीख को पता चलेगा कि 2 तारीख को इसके क्या नतीजे आते हैं। बहरहाल आप सब लोगों ने समय दिया, हमारे साथ जुड़े, इस पर चर्चा की, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।